हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत सारे किचन टिप्स बताऊंगी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके काम आएंगे और आपके काम को इजी कर देंगे और खाने के स्वाद को भी बढ़ा देंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम अपने आमले को क्यों रोस्ट कर रहे हैं और उसके साथ मिर्च। टिप नंबर टू, आपके पास अगर सब्जी बची हो तो आप सब्जी को फिर से गर्म कर लीजिए। मैंने थोड़ी सी सब्जी शाम की रखी है, मटर और आलू, उसके साथ मेथी की सब्जी बची हुई थी। इसको ताज़ा करने और टेस्टी नया फ्लेवर देने, ताकि इसे हम पराठे में बना सकें, पराठे में भर सकते हैं, आप ऐसी सब्जी भी खा सकते हैं। जब ये सब्जी थोड़ी गर्म हो जाए तब आप 2 चम्मच इसमें टमाटो केचप ऐड कर देंगे तो इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और हमारी सब्जी काफ़ी टेस्टी और चटपटी हो जाएगी। इस तरह से मैं 2 चम्मच इसमें टमाटो केचप डाल दूँगी और फिर उसे हम चलाकर निकाल लेंगे। फिर आप चाहें तो इसे गरम पराठे के साथ, रोटी के साथ या टिफ़िन में अपने बच्चों को दे सकते हैं। जाड़े का दिन है तो हम फटाफट ठंड में बच्चे जाना होता है और सब्ज़ी ना बना पाएँ या कोई काम ना कर पाएँ, तो समय पे इस तरह से सब्ज़ी के टेस्ट में थोड़ा सा चेंज ला दीजिए। बहुत ही टेस्टी और यूनिक ये सब्ज़ी है। टिप नंबर थर्ड, जैसे आपके पास आलू है और ये आलू देख रहे हैं आप काफ़ी सूख गया और किसी काम लायक नहीं है, सब्जी भी हम नहीं बना सकते इसकी, तो इस तरह से इन्हें काट लेंगे। ये आलू देखिए, आप एकदम इसके अंदर अंकुरण है और फिर इस तरह से हम काट काट के इसे ज़मीन में लगा देंगे, या चाहें तो आप गमले में लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी इसके पेड़ कितने अच्छे हैं। ये देखिए, इस तरह से जो पोर्शन है इसे हम ज़मीन में इस तरह से लगाएंगे यहाँ, और अंकुरण ऊपर की तरफ होगा, ये पोर्शन नीचे होगा। इस तरह करते हुए आप सारे ये जो पोर्शन है इनको पूरा कट कर दीजिए। इस तरह से देखिए मैंने काटा है और इस तरह से मैंने काट के इसे निकाल लिया। थोड़ी सी मिट्टी में मैं लगा के आपको दिखा दे रही हूँ। टिप नंबर 5, देखिए ये देखिए मैंने कितना सुंदर पौधा लगाया और इसे मैंने अपने कप में लगाया है। जरा सी मिट्टी मैंने ली है, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ी सी मिट्टी, और इसके अंदर ही मैंने अपने इस पौधे को लगा दिया है। इसे मैं थोड़ा सा इधर साइड कर ले रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। फिर देखिए मैं चाकू से इसे इस तरह से चाकू से निकाल ले रही हूँ। अभी ठंड है तो बगीचे में जाना मुश्किल होगा, नाइट है, तो मैं आपको यहाँ इस तरह से हम नीचे इसका ये कटिंग वाला पोर्शन रखेंगे और मिट्टी को इस तरह से रखते हुए पूरे आलू इसी तरह आपको एक लाइन से लगा लेनी है। अभी तो मैं इसी गमले में आपको दिखा रही हूँ और फिर इसे निकाल ले रही हूँ, बाद में मैं पूरे अपने बगीचे में लगाऊंगी। ये देखिए मेथी है, तब तक मैं हाथ धुल ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ। मेथी मैंने काट लिया है और धो के इसे मैंने पहले धो के रखा फिर इसे काटा, क्योंकि मेरे बगीचे में काफ़ी पेड़ हैं और बहुत ज़्यादा मेथी निकलती है, तो मैंने इस तरह से इसे काट लिया। अब मैं इसे कपड़े पे सुखा लूँगी ताकि कसूरी मेथी तैयार हो जाए। इस समय जाड़े का मौसम है तो आपको मेथी काफ़ी मात्रा में मिलेगी जिसका यूज़ आप कर सकते हैं सुखाने के लिए। देख रहे हैं इस समय ना तो बीज निकल रहे हैं, बहुत ही हरी हरी मेथी है। इस तरह से आप सुखा कर रख लेंगे तो एकदम फ्रेश मेथी आपकी तैयार हो जाएगी, बहुत ही अच्छी। जब आप चाहें तो पूड़ी पराठे वगैरह में डाल सकते हैं। अभी मेथी मैंने थोड़ा सा तुड़वा लिया था और इसे फिर मैं कट करके डालूंगी, ये पहले मैंने काट रखी है। टिप नंबर 6, अक्सर मैं क्या करती हूँ आपको बताऊं कि ये जो हमारा छोटा सा नामदस्ता है इसमें हम कूटते हैं अपने लहसुन या अदरक वगैरह। तो देखिए अदरक मैं इस तरह से डाल देती हूँ, इसके अंदर छील के मैंने पहले से रखा, और ये मेरा बेलन है, बेलन का निचला हिस्सा आप देख रहे हैं काफी चौड़ा है, तो इस तरह करते हुए हम इसे कूट लेते हैं। ये बहुत अच्छे से कूट जाता है और इस तरह से ज़्यादा अदरक के हम चाय के लिए रख लेते हैं। सुबह मैंने थोड़ा कूट लिया था तुरंत बनाने के लिए, अब मैं फ्रेश अदरक पूरे दिन के लिए कूट के रख लूँगी। मैंने जो आपको अदरक बताया था छील के, मैंने उसे सुखाया है, उसे भी आपको दिखा दे रही हूँ। बना है तो इस तरह से आप चाकू लीजिए और फटाफट इसे पील कर लीजिए। आप चाकू नहीं तो चम्मच का भी यूज़ करके इसे फटाफट पील कर सकते हैं। ये साइड के पोर्शंस को निकाल दीजिए और इसे इस तरह से करके पील कर लीजिए। इसे पहले अच्छे से थोड़ा सा गर्म पानी और नमक डाल के बढ़िया से सफाई से आप धुल लीजिए ताकि इसमें मिट्टी वगैरह बिल्कुल ना रहे, उसके बाद आप इसे इस तरह से पील कर लीजिए। मैंने काफ़ी पील करके रखा है, देखिए ये है, और ये मैंने कल पील किया था इसलिए थोड़ी सी सूख गई है, और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। मतलब स्लाइसेस आपको काट लेना है, जैसी भी ये हो उसी शेप में आप इसे कट कर लीजिए, पतली पतली स्लाइसेस काट लीजिए। इसे कद्दूकस नहीं करना है क्योंकि मैंने बहुत सस्ती मुझे मिल गई थी 40 रुपये किलो, तो मैंने सोचा ले लें इसे और फिर हम इस तरह से इसे तार में पिरो देंगे। तो
तो ना तो थाली में फैलाने का झंझट रहेगा, ना ही कपड़े में, और इसे हम जहाँ धूप आती है वहाँ तार में इसे अटैच कर सकते हैं। देखिए कल मैंने कुछ काट ली थी और उन्हें मैंने धूप में रख दिया, देखिए सूख गई हैं इसमें, और बाकी भी मैं पिरो लूँगी क्योंकि कल मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो मैंने 1 किलो अपनी अदरक को पील किया था और थोड़ी अदरक 1/2 kg कट की थी, अभी 1 kg और है, टोटल 2 kg को हम इस तरह से कर लेंगे और इसे सेम उसी जगह हम टांग देंगे। देखिए कुछ पहले की भी कटी हुई हैं, इसे भी इसी तरह पिरो लेंगे। 1 से 2 तार आप और भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से अपने माले बना सकते हैं पूरा, और इसे तार में लपेट दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये हमारी टिप्स जरूर पसंद आएगी। चलिए हम चलते हैं दूसरी टिप्स के। तो इस तरह से अपने अदरक को अच्छे से पूरी तरह से रोस्ट कर लीजिए, और रोस्ट करने के बाद फिर इसके छिलके उतार कर आप अदरक को शहद में कूट कर देंगे तो आपके बच्चों को की जो खांसी है वो फटाफट छूमंतर हो जाएगी। और इसके अंदर थोड़ा सा आप चाहें तो काली मिर्च और लौंग का पाउडर भी दे सकते हैं। चलिए इसकी अभी मैं भून ली हूँ, ठंडा होने के बाद इसके छिलके मैं आपको इसका पेस्ट बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए अदरक जो थी इसके छिलके मैंने उतार ली है, रोस्टेड अदरक है, और ये मैंने जो चॉकलेट के डब्बे आते हैं इसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए मैंने रखा है लौंग, लौंग का पाउडर बनाकर हमने रखा है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें मोटा मोटा मैंने कूटा है, इसलिए 1/4 tablespoon हम ले लिए हैं। और अगर आपको बारीक आपने कूटा है और आपको इस साइड से चाय में डालना है तो आप इस साइड से प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इस चॉकलेट के डब्बे को मत फेंकिएगा, नमक वगैरह रखना या जीरा पाउडर रखने के लिए काफ़ी प्रयोग में आपके आ सकता है। उम्मीद है आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसका लेबल नहीं निकाला ताकि आपको दिखा सकूं कि ये मेरा चॉकलेट का डब्बा है, यानी ड्रिंकिंग चॉकलेट का। ये देखिए मैंने इसे इस तरह से कर लिया और अब मैं इन्हें कूट लूंगी। अच्छे से आप कूट लीजिए। अगर आपको इस तरह से नहीं पीना है तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो अदरक है कूटी हुई इसे गर्म पानी में डाल लीजिए और उसके बाद इसका काढ़ा टाइप बना के शहद में डाल के आप पी सकते हैं, तो आपकी सर्दी तुरंत ख़त्म हो जाएगी, या आपको अगर कफ वगैरह रहे गले से बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। मैंने एक खांसी कफ की रेमेडी आपको बताई है जो दालचीनी से, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, वो ज़रूर आपके हेल्थ के लिए फ़ायदा करेगी। जिन लोगों को एलर्जी है वो लोग अगर अदरक को इस तरह से कूट के इसके साथ थोड़ी सी चाहें तो दालचीनी और थोड़ा सा आप चाहें तो इसके साथ काली मिर्च भी लेकर इसे मिलाकर गर्म पानी में बॉयल करके पी सकते हैं, या कॉफ़ी में भी इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। क्रश हमने करके रखा है काली मिर्च, मैं बहुत ज़्यादा काली मिर्च को क्रश करके रखती हूँ ताकि जब ज़रूरत लगे तो हम इसे ले सकें। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करते हैं क्योंकि हर अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह का फ्लेवर डालना होता है, हमें बहुत बारीक डालना होता है, बहुत मोटा या क्रश डालना होता है, तो इसीलिए हम क्रश करके रखते हैं, नीचे की तरफ बारीक भी है। देखिए हमने जो कूटा है इसके अंदर ही थोड़ा सा हम वाटर और ऐड कर देंगे ताकि इसको फिर और अच्छे से हम इस तरह से इन्हें क्रश कर सकें, और इस तरह से आप घुमा लीजिए ताकि आपके जो बेलन में भी लगा हुआ है वो भी बाहर निकल जाए, नहीं तो बेलन में भी काफ़ी मात्रा में जो हमारी अदरक है वो चिपकी रहती है। देखिए इस तरह से हम पानी डाल ले रहे हैं और इन्हें धो ले रहे हैं, आपने देखा इसका कलर चेंज हो गया। मैं थोड़ा सा वाटर और टैप से ले रही हूँ ताकि इसे पूरी तरह से क्लीन कर सकूँ। मैं इसे अच्छी तरह से खौला लूँगी, 2 से 3 मिनट आप इसे अच्छी तरह से खौला लीजिए। अभी मैंने गैस की फ्लेम तेज रखी है ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। अगर आप चाहें तो इसमें चीनी डाल के, चाय पत्ती डाल के और दूध डालकर चाय भी बना सकती हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, या आप चाहें तो इसका कढ़ा बना सकती हैं हल्दी डालकर, और मैं इसकी कॉफ़ी बनाऊंगी, आपको टेस्ट कराऊंगी ज़रूर। इस कॉफ़ी में मैं डालूंगी शहद, शहद हमें गर्म पानी में नहीं डालना है, शहद मैं अपने कप में डालूंगी। जब कॉफ़ी की बोतल खोलिए तो पूरी मत खोला कीजिए, और इसे हम ऊपर से जैसे ऐसे डाल देते हैं चाय वगैरह रहती है तो इसके साइड में पूरी तरह से ये जो हमारी कॉफ़ी है पिघल के लग जाती है, जिससे फिर सारी अंदर की कॉफ़ी जम जाती है। तो ठंड है या बरसात है उसके में आप इस तरह से कॉफ़ी को एकदम सूखे चम्मच से निकाल लीजिए जितना निकालना है, या हो सके तो आप एक छोटे से बोतल में चेंज कर लीजिए।
अगर आपकी आदत हो ऐसे कॉफी डालने की गर्म दूध वगैरह में, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं छोटे कंटेनर में। मैं अक्सर इस तरह के चम्मच से का यूज करती हूँ और पूरा खोलती नहीं हूँ, अक्सर मैं छोटे चम्मच का यूज करती हूँ, पर अभी मैंने थोड़ा बड़े चम्मच का यूज किया है क्योंकि मुझे शहद भी डालनी है। देखिए इसी में हम शहद भी डालेंगे, शहद आपको जितना चाहिए उतना डाल लीजिए, अगर आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, पर शहद को आपको बॉयल नहीं करना चाहिए। और आपने देखा कि हमेशा इस टिप्स को भी फॉलो कीजिए कि नीचे आप जब चाय वगैरह छान रहे हैं तो प्लेट जरूर लगा दिया कीजिए, जिससे होगा अगर हमारी चाय छन्नी से नीचे गिरेगी तो प्लेट में गिरेगी, हमें स्लैब नहीं साफ करना होगा बार बार। ये देखिए मैंने इसे छन्नी नहीं लगाया छानने के लिए, क्योंकि मुझे इसके अंदर के थोड़े से टुकड़े अगर लौंग के चले जाते हैं मुँह में, या अदरक के तो ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अब इस वाले पोर्शन को हमें फेंकना नहीं है। इस तरह से देखिए मैंने सुखा कर इसकी माला बना ली है, और ना मुझे किसी चीज़ में इसे हटाने की ज़रूरत पड़ती है, ना बार बार थाली वगैरह चेंज करने की। इस तरह से हमने काफ़ी माला बना लिया है। 2 किलो मैंने अपनी अदरक को छीला था, एक एक माले में हाफ हाफ के जी अदरक छील के लगी हुई है। फिर हम इसे इसी तरह धूप जब आती है तो अर्गन में टांग देते हैं, या आप लॉबी में परमानेंट इसे टांग कर इस तरह से रख सकते हैं जहाँ कपड़े सुखाए जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी टिप एंड ट्रिक्स सारी पसंद आई होगी। आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स में से कौन सी टिप्स पसंद ज़्यादा आई और मैं किस चीज़ की रेसिपी आपको बनाकर दिखाऊं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।